व्हाट्स अप गाइस, धोनी का खेलना कंफर्म कर चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके ने कंफर्म कर दिया है, क्या है पूरा मामला देखते हैं आज उन्होंने बताएं, क्योंकि हमारे तक तो अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है। और हम तो यही चाहेंगे कि धोनी खेले। और भैया धोनी के फैंस अटेंडेंस जरूर लगा देना, वीडियो को लाइक कर देना, मांग के 1 2 3 गो। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि धोनी ने पिछले साल अपना आखिरी आईपीएल खेल लिया। धोनी भैया से भी पूछ लेते हैं। माही भाई, क्या ये बात सच है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन किया जाएगा। नवंबर में ऑक्शन होने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही जल्द रिटेंशन लिस्ट और उसके रूल्स पता चलेंगे। वैसे तो सभी टीमों को इंतजार है कि जल्द से जल्द आईपीएल वाले रिटेंशन रूल बताएं, ताकि वो भी गुणा भाग करके अपने प्लेयर्स फाइनल कर सके। लेकिन बीसीसीआई वाले एकदम लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, धोनी खेलेंगे या नहीं ये अब धोनी की स्टाइल में लास्ट बॉल पर ही डिसाइड होगा। लेकिन चेन्नई वाले बेसब्र हो रखे हैं, उनको रिटेंशन रूल तत्काल प्रभाव से चाहिए। और सच बताऊं तो पूरे देश को भी सबसे ज्यादा चेन्नई की रिटेंशन लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि यही लिस्ट बताएगी कि धोनी इस साल आईपीएल खेल रहे हैं या नहीं। लेकिन अब एक रिपोर्ट के हिसाब से चेन्नई वालों ने अपनी तरफ से पहल कर दी है। 5 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो इस रिटेंशन का हिस्सा होंगे। इन 5 प्लेयरों के नाम है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, पथी राणा और महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, चेन्नई ने खुद से इन 5 लोगों की रिटेंशन लिस्ट बनाई है, जिसमें धोनी का नाम भी शामिल है। यानी धोनी अगले साल का आईपीएल खेलने वाले हैं। हालांकि कई लोगों को इस लिस्ट ने काफी हैरान किया है, क्योंकि दीपक चहर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, डेरिल मिशेल, कॉनवे जैसे खिलाड़ी नहीं है इसमें। कॉनवे की वजह से तो चेन्नई वाले आखिरी बार ट्रॉफी भी जीते थे। लेकिन समझ सकते हैं मेगा ऑक्शन में आप सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, पर फैंस तो यही कह रहे हैं कि धोनी को साथ में लेकर चल लिए, यही बहुत है। ये जो लिस्ट है दिखाती है कि चेन्नई धोनी को खिलाने के लिए कितनी सीरियस है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बीसीसीआई से अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल वापस करने की गुजारिश करी थी, जिसके तहत अगर खिलाड़ी 5 साल से ज्यादा समय से रिटायर हो चुका है तो उसको अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा। तो अब इस लिस्ट के हिसाब से क्या धोनी को हम 2025 आईपीएल में कंफर्म देखेंगे? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं, ये लिस्ट चेन्नई वालों ने अपनी मर्जी से बनाई है। अभी बीसीसीआई के रूल क्लियर नहीं है कि कितने खिलाड़ियों की रिटेंशन होगी। मान लीजिए बीसीसीआई कहती है कि 4 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकते हैं, तो फिर 4 खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और पथी राणा हो जाएंगे। फिर धोनी यहां पर फिट नहीं आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो धोनी नहीं खेलेंगे। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान खुद धोनी ने बोला था कि उनका खेलना या न खेलना इस बात पर डिपेंड करता है कि बीसीसीआई कितने प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाजत देती है। लेकिन धोनी को अपनी ड्राफ्ट में शामिल करके चेन्नई ने अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं, और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बीसीसीआई भी अब इस बात पर विचार कर रही है कि 6 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत दी जाए, और अगर 6 नहीं तो 5 तो डेफिनेटली रिटेन होंगे। क्योंकि देखो, धोनी के आने से ब्रांड वैल्यू तो बढ़ेगी, और आईपीएल तो पैसा कमाने की ही मशीन है। इधर से धोनी को खिलाओ, उधर से पैसा निकलेगा। ज्यादा प्लेयर रिटेन करने के रूल से सिर्फ उन टीमों को दिक्कत है जिनको अपनी टीम बदलनी है, जैसे दिल्ली और पंजाब। लेकिन उसमें अगर इतना दम होता तो अभी तक आईपीएल ही जीत लेते। इसलिए धोनी का खेलना आप कंफर्म मानो। आप तो बस बताओ कि क्या धोनी को खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने लास्ट के 2 ओवर में बैटिंग करी थी और बेहतरीन बैटिंग करी थी। और उनकी कप्तानी के बारे में कुछ भी बोलना तो भैया सूरज को दिया दिखाने के समान। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट करके बताओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ। मेरे से ओपिनियन लेके क्या ही फर्क पड़ेगा पहली बात तो। लेकिन एज अ फैन और एज अ क्रिकेट लवर और एज एन आईपीएल लवर, इधर उधर की नहीं बातें, हम तो चाहेंगे खेले। आईपीएल लवर भी नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हाँ खेले, खेलना चाहिए। वो बंदा परफॉर्म भी कर रहा है, अगर पिछले सीजन में अच्छी बैटिंग नहीं होती, चाहे जितनी बॉल खेलने आते थे लास्ट में, तो हम खुद ही कहते नहीं। वो उस टीम में ना एक अलग कॉन्फिडेंस लेके आते हैं धोनी, कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो टीआरपी भी लेके आता है, और उसके साथ साथ सीएसके का भाई साहब वो फैन बेस, तो और पैसा, पैसे के पीछे भाग रही है दुनिया। और भैया बीसीसीआई भाग ही रही है पैसे के पीछे, तभी तो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड बना है। खेलना चाहिए धोनी को जब तक हो सके, वो वाली बात है, जब तक भैया हो सके खेलो, और यही चाहेंगे हम। क्योंकि एक इंसान मुझे लगता है खेलेगा अगर वो फिट फील करेगा, वो जब नहीं करेगा तो खुद ही मना कर देगा। अब क्या, तो धोनी ने कह दिया था ना, वो वाली बात आई थी कि बीसीसीआई के हाथ में है रिटेंशन लिस्ट, कितने प्लेयर कर सकते वो चीज, तो भैया करो यार। बीसीसीआई व्हाट इज दिस, ये कोई इंटरनेशनल इवेंट थोड़ी है, इंडिया का इवेंट है। अपने हिसाब से अगर हम वो वाला रूल ला सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर वाला, तो भैया ये तो कर ही सकते हो यार तुम। चाहे इंपैक्ट प्लेयर को, बेशक रोहित शर्मा ने भी क्रिटिसाइज किया, उनको पसंद नहीं आया, लेकिन तुम लेके आए तो भैया ये ले आओ, 1 साल और ले आओ, बाकी बाद में देखेंगे। भाई धोनी मतलब उन खिलाड़ियों में से जिसकी झलक पाने के लिए भी ना लोग नोटिफिकेशन तक भेजते हैं, जियो सिनेमा की नोटिफिकेशन, धोनी ग्राउंड पर आ रहा है भैया, उसी टाइम पर नोटिफिकेशन क्लिक करके लोग एंट्री देखते थे, ब्रेक तक नहीं देते थे, एड तक नहीं देते थे, पूरा दिखाते थे शोर शराबा, पूरा पहले ग्लव्स पहनते हुए, पैड पहनते हुए देखा है, कितनी वॉल्यूम ऊपर जा रही है हर एक चीज। तो वही वाली बात है, वही मुद्दा है। भैया आज सारे कमेंट में ना गुहार लगा दो है। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।